इन्हें तो देखो, आखिर कितनी गंदम खरीदेंगे जो इतने सारे थैले लेकर आए हैं। सुन, क्या गुब्बारे की तरह फूले हुए पेट तो देखो, इन्हें भरने के लिए तो इससे कहीं ज्यादा गंदम दरकार होगी। ये कौन लोग हैं? ये शुमाली इलाका जहाँ से आए हैं, ये लोग गंदम खरीदने आए हैं। यारी, हमारे पास इतनी गंदम होगी कि इन्हें भी दी जाए। तो काहिना ने माबत भी गंदम लेने की गर्ज से तशरीफ लाए हैं? जी हाँ, वो भी 3 गुना कीमत में। इस वक्त तो माबत आमून की हालत इनसे भी बदतर है, आप हमारी मदद क्यों नहीं करते? पहली बात तो यह है कि ये लोग खावरी हैं और हमारी ही तरह इंसान हैं, और दूसरी बात यह कि ये लोग बरसों से मिस्र को खिराज देते रहे हैं और अपनी आमदनी का एक कसीर हिस्सा हुकूमत मिस्र के हवाले करते रहे हैं। अब जब कि इन्हें कहत दरपेश है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, जबकि हमून एक सर्वतमंद खुदा है। क्या हर्ज है कि वो अपने उस अजीम खजानों में से कुछ दौलत अपने ही माबत के काहिनों पर सर्व कर दे? था, कभी था, लेकिन अब आमून दौलतमंद नहीं रहा। जो कुछ था सब तुमने ले लिया। आली जनाब, ये खजानची माबत आमून है। नादानस्तगी में आपने एक अच्छी खबर दे दी है। अच्छी खबर मतलब? हाँ, ये आपको बाद में मालूम हो जाएगा। हरकत करें। बहुत से पैगंबर दीगर पैगंबरों पर फजीलत और बरतरी रखते हैं। दादा जान, तो क्या आपसे पहले भी बहुत से पैगंबर गुजरे हैं? हाँ मेरी जान, मुझसे पहले भी कई पैगंबर गुजरे हैं और मेरे बाद भी आते रहेंगे। तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम हैं, नूह और मेरे दादा इब्राहिम मुझसे पहले गुजरे हैं, और यूसुफ और दीगर पैगंबर मेरे बाद होंगे। आखिरी पैगंबर के जिनका नाम अहमद है, मेरे चचा इस्माइल की नस्ल से होंगे। बाबा, कौन से पैगंबर तमाम पैगंबरों से बरतर और बालातर है? वो जिनकी नबूवत का दायरा सबसे वसी है। हर फरिश्ता नबी किसी खास खत्ते की हिदायत पर मामूर किया जाता है। मसलन मैं सिर्फ अपनी कौम की हिदायत पर मामूर, लेकिन एक पैगंबर ऐसे भी हैं जो पूरी कायनात पर खुदा के अहकामात के नफाज पर मामूर है, और वो आखिरी पैगंबर है। बिन्यामीन अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वो ये नहीं जानता कि मैं उसका मुंतजिर हूं? परेशान मत होइए बाबा, मैं अभी जाकर देखती हूँ। मैं ज़मीनों पर दखमपाशी के लिए गया हुआ था। अगरचे पैदावार नाकाफी है, लेकिन अगर ये कम मकदार भी काश ना की गई तो हम सब भूख से मर जाएंगे। थक गया था, सोचा पहले जरा आराम कर लूं, फिर बाबा से मिलने जाऊं। बिन्यामीन, तुम तो जानते हो कि वो सूरज हुरूब होते ही तुम्हारा इंतजार करने लगते हैं। तुम्हें उन्हें यूं इंतजार नहीं करवाना चाहिए। कभी कभी कोई काम पड़ जाता है तो मैं मसरूफ हो जाता हूँ। दानिश्ता तो ऐसा नहीं करता ना। बिन्यामीन, बहाने मत बनाओ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें बाबा से मिलने जाना चाहिए था? क्यों नहीं जानता? जानता हूँ, माज़रत खा हूँ। अच्छा चलें, अब बाबा को मज़ीद इंतज़ार मत करवाएं, चलें। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा,
बाबा मैं वादा करता हूँ जमीनों से वापसी पर सबसे पहले आपकी कदम बोसी के लिए आऊंगा। यूसुफ की जुदाई में मैं जिस कर्ब से गुजर रहा हूँ वही मेरे लिए काफी है। अब तुम मुझे और तकलीफ मत पहुंचाओ मेरे बच्चे। खुदा मुझे हरगिज ना बख्शे अगर मैं आपको कोई तकलीफ पहुंचाऊं तो। यूसुफ के बाद मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। तुम्हें देखने से मुझे तस्कीन मिलती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और आसनाद हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आइन आइन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद के माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदावंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है उसी तरह शहरों को भी शिर्क बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिज़ुल अमल समझे। हमें माबद की मज़ाहमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तनाब नागुजीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेजी न हो। जनाबे अखनातून और जनाबे युजारसीफ सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। परमारवा जनाबे युजारसीफ को एक रहनुमाए इलाही की नजर से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान जाया ना।
आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बस औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीख दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारजे में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबाता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती के बतौर सरकारी आईन ऐलान करा दो। माबत के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी, और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर यह खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूं कि आमून मेरे समर पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूं, उसी तरह अख्नातून को भी मिस्र का अजीम फरफरावा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूं। अगरचे अख्नातून आमून का एक नाखलक बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आईन को बदलने का हुक्म दिया है। जनाबे अख्नातून और अजीज़े मिस्र जनाबे जुजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आईन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना गुनाह और जुर्म शुमार किया जाएगा। मुझे पता था कि आखिरकार जुजारसी भूत परस्तों की बिसात उलट कर रख देगा, लेकिन काहिनों से होशियार रहना होगा, वो लोग खामोश नहीं बैठेंगे। आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खुद युजासीफ ने हमारे लिए क्या कर दिया है जो अब उसका खुदा हमारे लिए करेगा। यूं कहो ना कि चूंकि युजासीफ ने तुम्हें बुलंदी से पस्ती में ना खड़ा किया है, इसलिए तुम उसके मुखालिफ हो, वरना हमने तो युजासीफ में महरूमों और मोहताजों की खिदमत और भलाई के सिवा कुछ नहीं देखा है। उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की, मैंने और मुझ जैसों ने तुम्हारी खिदमत की है। उसने आमून के खजानों और हम जैसों की जेबों को खाली किया है ताकि तुम जैसे फकीरों और मोहताजों के पेट भर सके। तुम जैसों को जो कि युजार सीफ के जख्म खुर्दा हैं, उनकी मुखालफत करनी भी चाहिए। हैरत है कि तुम लोग किस तरह एक दिखाई देने वाले और हाजिर खुदा आमून को छोड़कर एक अनदेखे और गायब खुदा की परस्तिश करते हो। इसलिए कि तुम्हारे इन दिखाई देने वाले और हाजिर खुदाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, जबकि युजार सीफ के अनदेखे खुदा ने हमें कहत और गुलामी से निजात दिलाई है। हम युजार सीफ के उस अनदेखे खुदा को तुम्हारे इन दिखाई देने वाले खुदाओं से कहीं ज्यादा हाजिर और नाजिर मानते हैं। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे अख्नातून बुजुर्ग और जनाबे युजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आईन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अख्नातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो। अख्नातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाबे अख्नातून और जनाबे युजार सीफ का फरमान है, और जो कोई भी दीने एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि युजार सीफ के इन तमाम इकदामात के यही नतीजे होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है, बहुत से लोगों ने माबत के बाहर इस्तेमाल किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मुबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे।
अखनातून को अभी काहिनाने माबत की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। खामोश हो जाओ खबीसो, मुंह बंद करो, खुराफात बक रहे हो। काहिन, तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं है जो इस तरह अखनातून के फरमान के खिलाफ बोल रहे हो? अखनातून ने तुम्हें हुक्म दिया है कि कूचा और बाजार में जाकर इस बात की तशहीर करो। बिल्कुल, जनाब अखनातून और जनाब उजार सीफ का फरमान है और जो कोई भी दीन एकता परस्ती की मुखालफत करेगा वो कैद कर दिया जाएगा। मैं जानता था कि उजार सीफ के इन तमाम इकदाम के यही नतीजे होंगे। अभी भी अक्सरियत आमून की पैरोकार है। बहुत से लोगों ने माबत के बाहर इस्तेमा किया हुआ है और आमून के दुश्मनों से मबारजे के लिए आमादा हैं। हम अपनी बका की खातिर दिफा करने पर मजबूर हैं, लिहाजा हम युजार सीफ से मुकाबला करेंगे। अखनातून को अभी काहिनाने माबत की ताकत का अंदाजा नहीं है। किस ताकत की बात कर रहे हो? हमारे पास अब तो लश्कर तक तो है नहीं। इसी आवाम के जरिए अगर हम उन्हें ही आमादा और मुसल्ला कर दें तो आप देखेंगे कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं। खुदावंदगारे मिस्र जनाब अखनातून और जनाब युजार सीफ हकीम के फरमान के मुताबिक आज से मिस्र का सरकारी आईन आईने यकता परस्ती है, लिहाजा परस्तिश आमून और दीगर बुतों की परस्तिश को छोड़कर आतून यानी खुदा यकता की परस्तिश लाजमी होगी। मैं जानता था कि एक ना एक दिन मिस्र के लोगों का दीन यकता परस्ती हो जाएगा। कोई हक नहीं पहुंचता जो मिस्र के लोगों के हजारों साल कदीम आइन को तब्दील करे। लेकिन आज हमारे पास जो कुछ है वो युजार सीफ और उसके खुदा की बदौलत है। आमून और काहिनों ने हमारे लिए किया ही क्या है। यानी मैं अपने अबाव अजदाद की दीन को छोड़कर युजार सीफ के खुदा यकता की परस्तिश करने लगूं? अगर युजार सीफ का खुदा ना होता तो कहां मर्दों में मिस्र को नाबूद कर चलो हमारे साथ। क्या आमून की परस्तिश करना कोई जुर्म है? लेकिन यकता परस्तों पर ज्यादती करना जुर्म है। चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो। आमून की परस्तिश और उसकी हिमायत करना जुर्म नहीं है, नहीं है। चलो हमारे साथ, छोड़ दो मुझे। खुदावंदगारे मिस्र जनाबे अखनातून बुजुर्ग और जनाब युजार सीफ हकीम के मुताबिक आज से सरजमीन मिस्र का सरकारी आईन आईने यकता परस्ती है। लिहाजा आज से परस्तिश आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश करना नाकाबिले माफी जुर्म शुमार होगा। आईने आमून काहिनों के लिए भला क्यों कर बुरा होने लगा? बेहतरीन पुरतज्जु जिंदगी, बेहतरीन और मुरागन गिजाएं, जवान और खूबरू दोशीजाएं जब इन्हें मुयस्सर होंगी तो भला वो क्यों आईने आमून के मुखालिफ होने लगे? तो क्या ये जायज है कि युजार सीफ मिस्र के तमाम लोगों को अपना और हुकूमत का गुलाम बना ले और हम जैसों को जिल्लत की पस्ती में धकेल दे? खैर, हमारे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम शुरू से ही गुलाम थे और गुलामों की जिंदगी गुजारी है। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं बदला। गुलामी तो तुम जैसों के लिए दर्दनाक है जो खुद बहुत से गुलाम रखा करते थे। युजार सीफ का सबसे बड़ा गुनाह यह है तुम जैसों को भी जमाने लग गई है। वो हक बजानिब है, बुलंदी से पस्ती की जानिब आना आसान नहीं होता। सरजमीन मिस्र का सरकारी आईन आईने यकता परस्ती है। आज से आमून और दीगर खुदाओं के पैरोकारों को यकता परस्तों के साथ किसी भी किस्म के जुल्म और ज्यादती का कोई हक नहीं होगा।
यक्ता परस्तों पर जुल्म और ज्यादती नाकाबिले माफी जुर्म शुमार किया जाएगा। ये सब यूसार सीफ का कारनामा है। सुन रहे हो मेरे प्यारे दोस्त, लोग खुद उसकी परस्तिश करते हैं ये काफी नहीं, अब उसके खुदा की भी परस्तिश करना पड़ेगी। अलबत्ता सच तो ये है कि वो खुद और उसका खुदा दोनों ही लायक परस्तिश है। तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं पहुंचता। आमून की हजारों साल से परस्तिश की जा रही है। कोई भी यक्ता परस्तों पर जुल्म और सितम करने का मजाज नहीं। यदि खुदाए आमून की तौहीन की जाए और हम खामोश रहे। हाँ, अगर यक्ता परस्तों को सताओगे तो मुजरिम करार पाओगे, समझे? देख रहे हैं आमून ही के शहर में मुख्तलिफ नौ खुदाओं और उनके माबत के शहर में यक्ता परस्त तो आजाद है और आमून परस्त पाबंद। नफरीन इन बेजान पत्थरों के खुदाओं पर, नफरीन माबद आमून पर। मैं कहता हूँ बस करो, तुम्हें इनके खुदाओं की यूं तोहीन नहीं करनी चाहिए। आखिर आप किसके तरफदार हैं? मैं आमून पर लानत भेजना चाहता हूँ, काहिनों की तोहीन करना चाहता हूँ। तुम अगर उनके खुदाओं की एहानत करोगे तो वो भी तुम्हारे खुदा यक्ता की एहानत करेंगे। क्या तुम ये पसंद करोगे? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन खुदावंद यक्ता की कसम, मैंने इन अरबाब माबद के हाथों इतने रंज उठाए हैं कि मुझे अपने गुस्से पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। वाह, क्या खूब तमाशा खड़ा करवा दिया है यूसुफ तुमने। तुम हक पर जाने हो, अगर मेरा खुदा भी मुझ पर ऐसी बेशुमार इनायत करता, मैं भी जमीन और आसमान को उसकी परस्तिश करने पर मजबूर कर देती। क्या बात है, मुझसे क्या काम है? अली जनाब, वो काफी लोग आमून परस्ती की मजम्मत और यक्ता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब जनाब आखमहू का क्या फैसला है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं करते। मुसलसल मुनादी की जा रही है और यक्ता परस्ती का बतौर सरकारी आईन ऐलान किया जा रहा है। क्या वो लोग अलल ऐलान यक्ता परस्ती की तरवीज कर रहे हैं? हमने खुद को खौल में बंद किया हुआ है और अपने अतराफ से बिल्कुल बेखबर है, जबकि युजार सीफ ने अपना काम कर दिखाया है और आखिरकार आमून परस्तों की रूह पर कारी जर्ब भी लगाई। हमें कुछ करना होगा, हमें मिल बैठ कर मंसूबा बनाना होगा। जिस वक्त आपको लाहे अमल बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। जिस वक्त मैंने कहा था कि युजार सीफ और अखनातून को रास्ते से हटा दे, नहीं हटाया। और अब उनसे निमटने के लिए मंसूबा साजी करना चाहते हैं। मैंने हर जरूरी इकदाम जो करना चाहिए था किया। अलबत्ता हर वो इकदाम जिसने युजार सीफ को कामयाबी से हमकनार किया है, आपने सिर्फ बैठकर तमाशा किया है। मुझे मानना पड़ेगा कि युजार सीफ और उसका खुदा बहुत कादिर और तवाना है। खुदाए युजार सीफ का भी नहीं, बल्कि हम नालायक और नातवा हैं। क्या पादिया मून खुद को जनाब आंख माहू से ज्यादा अकलमंद समझता है? क्यों ना समझे, जब आंख माहू की फहम फरासत किसी काम नहीं आई तो जाहिर है कि ऐसे में पादिया मून को अपनी सलाहियतों पर ही भरोसा करना पड़ेगा। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन उसकी कुदरत का मुशाहिदा जरूर किया है। युजार सीफ तो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन युजार सीफ का खुदा है कौन जो उसकी परस्तिश करूं? अगर तुमने उसे देखा है और उसे पहचानते हो तो हमें भी बताओ, ताकि हम भी उसे जान सके। युजार सिफ का खुदा वही है जो उसकी बताई हुई ताबीद को सच साबित करता है और उसके किए हुए वादों को अमली जामा पहनाता है। अगरचे मैंने उसके खुदा को नहीं देखा, लेकिन उसके आसार और उसकी मौजूदगी को महसूस जरूर करता हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि जो खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, उसे आमून पर जो मुझे दिखाई देता है और मैं उसे छू सकता हूँ, भला उसे क्यों तरजीह दूँ? इस हिसाब से तो तमाम मौजूदात ही काबिल परस्तिश हुई,
वो खुदा जो अपने पैरोकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और ना ही उनके किसी भी दुख दर्द का बदावा कर पाए, क्या वो काबिले परस्तिश है? हाँ, वो खुदा जो अपने दुश्मनों से सख्ती से इंतकाम लेता है वो काबिले परस्तिश है। आज के बाद से आमून के दुश्मनों और यक्ता परिस्तों का जवाब यही होगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकदा परस्त को मारा गया तो माबत समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाजत नहीं और यकदा परस्तों के साथ जुल्म ज्यादती की सूरत में सख्त सजा के मुस्तहक करार पाएंगे। ये देखो, ये रही। सुन रही हो? ये सब यूज़ार सीफ के कारनामे हैं। जब तक सबको अपने खुदा की परस्तिश पे मजबूत नहीं कर देगा वो दस्तबरदार होने वाला नहीं। पता नहीं बानो, इन तमाम हालात से आप खुश हैं या ना खुश? यूज़ार सीफ के खुदा की परस्तिश की जानी चाहिए या नहीं? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस खुदा की परस्तिश करनी चाहिए। अक्सर लोग तो यूसुफ के खुदा की परस्तिश करने के बजाय खुद उसकी परस्तिश करते हैं। मुझे उसके खुदा का तो पता नहीं, लेकिन तुम ही बताओ, वाकई वो लायक परस्तिश नहीं है? अब तक मिस्र के तमाम नेमतों पर सिर्फ काहिनों का हक तसर्रुफ हासिल था, लेकिन अब तमाम नेमतों पर तमाम अहले मिस्र का यकसा हक होगा। इसमें क्या हर्ज है? बोलो और क्या, उसने दौलतमंदों से उनकी तमाम दौलत ले ली है। मैं तो कहता हूँ उसने जो किया बहुत अच्छा किया, काहिनों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, और क्या? यूसुफ ने मिस्र के तमाम तबकात की छान फटक कर डाली। गरीबों की बहुत मदद की है। बस इतना है कि बजाय उसके के छान फटक के समझ में छोटे छोटे जर्रात छनकर जमीन पर गिर पड़े, बड़े बड़े और मोटे मोटे कंकर कदमों में गिर रहे। तुम्हें याद है यूसुफ सिर्फ बचपन ही से गुलामों और महरूमों से बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। एक बार मैंने एक मोती उसे हदीयतन दिया तो उसने वो बेचकर सब कसर के खिदमतकारों पर खर्च कर दिया। हमेशा कसर के खिदमतकारों और गुलामों से जाकर उनकी अहवाल पुरसी किया करते थे, हमेशा उनके गम गुसारी किया करते थे और उनकी मदद करते थे। क्या बात है? और क्या? मैंने क्या किया? क्या बात है? छोड़ो, चलो हमारे साथ, चलो। छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो, छोड़ो। क्या बात है? मुझे छोड़ो।